हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं फिर एक मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ। आप देख के ही बोल सकते हो ये कौन सा मिठाई है। फेस्टिवल स्पेशल, जिसका नाम है मोहन थाल। ये बेसन से बनता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये मार्केट में भी मिलता है, लेकिन कॉस्टली मिलता है थोड़ा। और ये बनाने में आसान है, तो इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक भगोना ले लिया है, जिसमें एक कप बेसन डाल दूंगी। एक कप से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और यहाँ दूध डाल देंगे, 3 से 4 चम्मच। आप चम्मच के नाप से डाल रहे हो तो 3 से 4 चम्मच। और इसी में हम वही चम्मच से घी डाल देंगे, 3 से 4 चम्मच। और इसको हाथ के सहायते से हम गूंथ लेंगे, थोड़ा गूंथ लेंगे मतलब पूरा जो घी, देसी घी जो हमने डाला है और दूध डाला है, उसको अच्छे से हम मसल देंगे हाथ के सहायते से। तो ये क्या भुरभुरा हो जाएगा, जैसे दानेदार रहता है ना, मोहन थाल खाने में दानेदार ही लगता है। तो इसको अच्छे आप हाथ के सहायते से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसल मसल के। चाहिए तो दोनों हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों हथेलियों से घस घस के आप इसको मिक्स कर सकते हो। ये थोड़ा प्रोसेस टाइम लगता है, क्योंकि धीरे धीरे हमें मिक्स करना रहता है, इसके पूरे लम्स निकालने रहते हैं। ये मैं आपको एक कप से थोड़ा ज़्यादा का ही बता रही हूँ। आप चाहिए तो आपके बनाने के अकॉर्डिंग आप सब सामग्रियाँ डाल सकते हो। तो देखिए ये भुरभुरा हो गया, आप देख सकते हो। अब इसको हम साइड में ढक के रख देंगे रेस्ट के लिए। तो चलिए इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक टोप ले लिया है, गैस पे रख दिया है, और एक कप चीनी डाल दिए। और उसी कप के सहायते से मैं उसमें पानी डाल दूंगी। और चीनी और गैस चालू करके चीनी गलने तक हमको इसको पकाना है। तो ये हम बेसन में डालेंगे, और इसमें फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर, ये घर में ही बनाया था इलायची का पाउडर। और ये थोड़ा फूड कलर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, लेकिन दिखने में कलर मिठाई का अच्छा लगता है। इसको चम्मच के सहायते से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो जो हमने रेस्ट करने के लिए बेसन रखा था, उसको पहले हाथ लगा के देख लेंगे, और बाद में मिक्सी जार में इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, घुमा लेंगे। आप चाहिए तो छन्नी में भी इसको घस के निकाल सकते हैं। तो छन्नी मेरे पास नहीं था, तो मैं ये मिक्सी जार में इसको पीस रही हूँ। तो अच्छे से सब बेसन भगोने से निकाल के मिक्सी जार में डाल देना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है, और वही भगोने हम फिर से डाल देंगे। तो जो थोड़ा नीचे चिपक जाएगा, उसको चम्मच के सहायते से या हाथ के सहायते से उसको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो, मैं चम्मच से दिखा रही हूँ आपको कैसे हुआ है। तो अभी हम एक पैन ले लेंगे, आप कढ़ाई या पैन कुछ भी ले सकते हो जो आपके घर पे अवेलेबल है। यहाँ मैंने एक कप जितना घी डाल दिया है, देसी घी डाला है। ये घी में अच्छा लगता है, आप चाहिए तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और जो हमने बेसन को ग्राइंड किया था, घी गर्म होने के बाद इसे डाल देंगे, और इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे इसको चलाते पका देंगे। और ये जब थोड़ा पूरा घी में मिक्स हो जाए, तो हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। फास्ट पे हम पकाएंगे तो ये जल सकता है। तो इसको चलाते ही रहना है जब तक ये बेसन पूरा पक नहीं जाए। और ये जब जैसे जैसे बेसन पकता है, वैसे वैसे इसका सुगंध भी बहुत अच्छा आने लगता है। तो ये देखिए बेसन का कलर भी चेंज हो गया है, और ये पूरा घी के साथ पूरा मिक्स हो गया। आप देख सकते हो पूरा बेसन भी एकदम घी के जैसे ही हो गया है मेल्ट। तो देखिए
ये थोड़ा सुनहरा हो गया है। इसमें अब हम वो जो एक कप लिया था घी, उसी कप से आधा कप हम दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से हमें चलाना है जब तक पूरा दूध एब्जॉर्ब नहीं कर ले बेसन। तो इसको चलाते रहना है, जहाँ आप चलाना छोड़ दोगे तो ये पकड़ सकता है पैन पे, तो फिर वो स्वाद में खाने में अच्छा नहीं लगेगा, जला जला लगेगा। तो देखिए इसको चलाते ही रहना है और जहाँ आजू बाजू चिपका है उसको भी निकालते रहना है। और ये भी पूरा जब दूध एब्जॉर्ब कर लेगा बेसन, तो ये पूरा ये भी फिर से घी छोड़ने लगेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा बेसन ऑलमोस्ट पूरा पक चुका है। यहाँ आप चाशनी डाल देंगे और धीरे धीरे करके डालना है और चलाते ही रहना है। और यहाँ मैंने पूरा चाशनी डाल दिया है, चाशनी के साथ इसको पकाएंगे। तो इसको चलाते रहना और जो भी लम्स पड़ेंगे उसको निकाल देना है पलटे के सहायते से। तो देखिए ये पूरा घोल की जैसे हो गया है और इसको फास्ट पे मैंने पकाया और देखिए ये पूरा चाशनी भी सोख लिया है बेसन। और इसको आप अभी थोड़ा और पकाएंगे 5 मिनट स्लो फ्लेम पे कि ये कहीं से जले नहीं और अच्छे से पक जाए और खाने में टेस्टी लगे। तो ये देखिए धीरे धीरे ये और ठीक हो रहा है, जैसे हम हलवा बनाते हैं ना वैसा। तो ये देखिए ऑलमोस्ट पूरा हलवे के जैसा हो गया, आप देख सकते हो थोड़ा भी लम्स नहीं है और एकदम सॉफ्ट बना है और ये खाने में भी एकदम दरदरा दानेदार लगता है। और ये ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है मोहन थाल। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और यहाँ हम सेट करने के लिए एक ट्रे ले लेंगे। मेरे पास ट्रे नहीं था सेट करने के लिए बर्फ़ी बनाने के लिए, तो ये मैंने ढोकला वाला लिया है जिस पे ढोकला बनाते हैं, उस पे मैंने बटर पेपर लगा दिया है और थोड़ा घी लगा दिया था उसके ऊपर। और ये सब पूरा मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है मोहन थाल। और ये अभी गर्म है तो इसको पलटे के सहायते से सेट कर लेना है दबा के, जैसे बर्फ़ी रहता है ना वैसा। तो ये पूरा मैंने सेट कर दिया, इस पे गार्निश के लिए आप पिस्ता डाल सकते हो। मेरे पास पिस्ता नहीं था तो मैंने काजू और बादाम को क्रश कर लिया था और इसको हथेली के सहायते से इसको थोड़ा प्रेस कर देना है कि दिखने में भी अच्छा लगे। आप गुलाब के पंखुड़ियाँ डाल सकते हो इसके ऊपर सजाने के लिए, गार्निश के लिए। और वो सिल्वर आता है ना पान वाली दुकान के यहाँ मिलता है, वो भी आप लगा सकते हो। इसको ढक के रख देना है सेट होने के लिए। ये देखिए अब ये सेट हो गया है और देख सकते हो कितना मस्त बना है। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे, जो भी शेप में आपको काटना है आप काट सकते हो। तो देखिए एकदम बना है ना मार्केट की जैसा, और मार्केट से बहुत अच्छा बना था। घर में ही बनाइए सब चीज़ जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और पूरे घर वाले खाते हैं इंजॉय करते हैं। तो अभी फेस्टिवल का भी सीज़न चालू हो गया, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मेहमान बोलेंगे कहाँ से लाया है, तो आप बोलना कि मैंने बनाया है, तो वो भी आपसे रेसिपी पूछेंगे, तो आप भी बना के उनको बता सकते हो। देखिए आपको मैं निकाल के भी एक बताती हूँ, देखिए बना है ना एकदम मस्त, और मुंह में तो ज़रूर पानी आ गया होगा। और ये खाने में सच बताऊँ बहुत टेस्टी था, आपको तोड़ के भी बता रही हूँ। देखिए तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर देना। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।